आज सुबह का उठा हुआ हूँ अराउंड 4:30 बजे का, और अभी टाइम हो गया 7:06। जस्ट अभी ब्रेकफास्ट आया और सुबह से मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था, पहले ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है, रात को यहाँ पे अभी था 9 डिग्री। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम पहलगाम एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग ऑफ कश्मीर टू कन्याकुमारी सीरीज़ है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो आई एम ईशान, वेलकम टू माई लाइव, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आई बी फिल्म्स। अभी सुबह के 8:30 हो गए हैं और मैं पहुँची हूँ जी यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर। आज श्रीनगर पहुँच जाऊँगा और कन्याकुमारी टू कश्मीर की सीरीज़ एंड हो जाएगी। आज बहुत ही लकी डे है मेरे लिए कि मैंने ये सारी पूरी राइड कर ली है सोलो, वो भी। और ये जो आप टायर जो आप देख रहे हो, ये सारा कलर ऐसा गोल्डन नहीं है, ये सारा कीचड़ है, बिल्कुल स्लश है, बाकी तो कलर तो जी बिल्कुल ब्लैक। और यहाँ पे अभी ठंड है सुबह, अभी रात को तो जी 9 डिग्री सेल्सियस था, बाकी जी बर्फ़ वगैरह के पहाड़ भी साइडों में ये है सब, और ऐसी खूबसूरती तो मैंने जी कभी नहीं देखी। मनाली, हिमाचल सब फेल है जी इसके सामने। मैं पहलगाम आया था, कल पहलगाम घूमा, बेताब वैली वगैरह। आज मेरे को जाना है यहाँ से श्रीनगर, जो कि अराउंड 80 to 85 किलोमीटर है। वहाँ पे जाके आज श्रीनगर वगैरह घूमेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे। मैं जल्दी से सारा सामान पैक करके लेके आता हूँ और बाइक पर माउंट करता हूँ और यहाँ से फिर निकलते हैं। थोड़ा सा कोल्ड हो गया रात को, थोड़ी सी ना ठंड लग गई है मेरे को। मैं अभी निकलने को तैयार हूँ। ओके भैया, ओके। कि विंटर्स में ये पूरा यहाँ पे भी बर्फ, छत पे भी सारी बर्फ, पूरे पहाड़ों में जी बर्फ होती है यहाँ पे। और अभी टाइम हो गया 9:20, यहाँ से 81 किलोमीटर है, 1 आवर एंड 51 मिनट। कश्मीर में आके जी मेरे को सबसे ज़्यादा ना भीड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, देखो। हरियाणा, हरियाणा, हाँ। महीने हो गए हैं, 2.5 महीने, हाँ। मैगी कितने की है? दिस इज़ दी बेस्ट पिकनिक स्पॉट इन पहलगाम। सारे लोग यहाँ पे आते हैं पिकनिक वगैरह मनाने, जैसे देखें अभी तो सुबह ही हुई है तभी ऐसा है। वो देखो वो बाइक यहाँ से ले गए और वहाँ पे जाके गेरदी नदी के किनारे, अभी अभी यहाँ से रोड से उतारे गए और वहाँ पे जाते दोनों गिर गए। यहाँ से जाने का ना मन ही नहीं कर रहा, खूबसूरती देखो यहाँ की, कितनी सुंदर है ना ये पहलगाम। फिर आऊँगा मैं यहाँ पे, मैंने हर जगह एक चीज़ कही है कि पता नहीं अब यहाँ पे कब आना होगा, पर यहाँ पे मैं ज़रूर आऊँगा दोबारा। है ओके, सो दिस इज़ झेलम से श्रीनगर बचा 32 किलोमीटर। लैंडस्केप देखो ज़रा क्या खूबसूरत है। बाइक के पीछे वाला टायर में हवा शो नहीं कर रहा है यार, पंचर वाले को दिखानी पड़ेगी, उसके अंदर सारी मिट्टी चली गई है तो एयर ही नहीं आ रही। एक बार पीछे वाला टायर देखना, उसके अंदर हवा नहीं डल रही, मिट्टी से बंद हो गई ये नोजल, टायर में हवा नहीं है। अच्छा पत्थर है भैया। ये शाहीन लग्जरी कौन सा है? एंट्री वहीं से ही है। मेरे को दूसरे होटल में शिफ्ट कर रहे हैं, इनका एक और ब्रांच है, क्योंकि यहाँ पे ना एक फैमिली आई हुई है 14-15 लोगों की, और इनके पास ऑक्यूपेंसी थोड़ी सी कम हो गई है। नहीं यार ये मेरे लिए कर रहे हैं, मैं भी इनके लिए कर लेता हूँ। मैं जब से आऊँ तब से मैं दवाई लेके और बस रेस्ट कर रहा था, और अभी भी कोल्ड ठीक नहीं हुआ है, इतना ठंड लग गई है कल रात को बहुत ज़्यादा, और जल्दी ठीक हो जाए मैं बस यही चाहता हूँ। अभी का प्लान कुछ ऐसा है कि सबसे पहले मैं जा रहा हूँ श्रीनगर, मैंने अभी लंच भी नहीं करा, यहाँ पे कुछ खाने को भी अभी कुछ नहीं मिला, तो पहले श्रीनगर जाके खाना वाना खाता हूँ और वहाँ से जाता हूँ डल लेक। डल लेक में जाके बोटिंग वगैरह का पता करेंगे और बोटिंग वगैरह कर लेंगे, देखते हैं वहाँ पर जाकर जो भी शिकारा बोट वगैरह मिलती है पूरी। ये देखो ये बाइक की मार्केट है, आधी से ज़्यादा बंद है वैसे, पर जो कुछ भी खुली है तो उससे पता चल रहा है। स्पोर्ट्स क्लब श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले तो मेडिकल शॉप पे चलते हैं। मैंने अभी कोल्ड की दवाई ले ली है यहाँ से, करण नगर चौक श्रीनगर कश्मीर। ईदगाह पार्क, इतना बड़ा क्रिकेट का ग्राउंड, रोड के साइड में जी सारी बोट है, और ये पूरा देखो ग्रीन कलर का सारा। अच्छा और ये भी आएगी यहाँ से, नगीन बाग, ये भी मैं अपने गलत दिखा रहा, ये लोकेशन आगे कश्मीर मैपल फूड और लेक, यहाँ से स्टार्ट हो गई है नागिन बाग लेक है ये वाली। ओ शाबाश, देख रही है बाइक आ रही है स्पीड में, आराम से रुकी हुई थी, एकदम से स्कूटी एकदम से भगा दी और देख ही नहीं रही बाइक को, उधर मुंह करके और स्कूटी मेरी बाइक के आगे। डल लेक,
डल्लेक दो है, एक जो डल्लेक दूसरा नहीं गिन लायक। ये है तो शायद डल्लेक ही, पर मेरे को तो इसमें बोट भी नहीं दिख रही चलती हुई, कहाँ है डल्लेक? पूरी हाउस बोट, हाउस बोट तो दिख गई, सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे भी ऊपर स्नो कैप माउंटेन्स हैं, पर स्नो अभी कम है वहाँ पे। निशात शिकारा स्टैंड, ओहो बच गया, टायर में रस्सी फंस गई, निकल गई, देखी नहीं मैंने, रस्सी पे चढ़ा दी बाइक। इतना बड़ा रहा है, मोबाइल उठा पहले। हाँ मोबाइल उठा पहले, निकालो ये। क्या करूँ इससे? उठाओ। उससे क्या होगा? अगर घूमने के लिए निकलना है। हाँ तो घूमने के लिए तो जाना है, पहले कुछ खाऊंगा, आप रेट तो बताओ। ये जितना बड़ा सर राइड करोगे उसी हिसाब से। एक घंटा ये कितने? 700 रुपये। कितने कितने तक लेके जाते हो? एक घंटे को 800 रुपये। हाँ 800 रुपये एक घंटे का। बाइक पार्किंग? अभी सामने चार चिनार गार्डन आ गया और अभी यहाँ पे थोड़ी देर बोट रुकेगी, उसके बाद आगे जाएगी, लिलीज के पत्ते वगैरह सारी चीज़ें। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये डल लेक जम्मू एंड कश्मीर में सेकंड लार्जेस्ट लेक है। गार्डन चार चिनार, ज़्यादा कोई बड़ा गार्डन नहीं है ये, ये देखो बस, ये ख़त्म, बस इतना सही है, छोटा सही है। फोटोग्राफी वगैरह करा सकते हो पीछे जी, कश्मीरी कॉस्ट्यूम वगैरह में वो सब पहन के, और वो सब चीज़ें यहाँ पे अच्छी हैं। ये आप देख रहे हो, ये है चिनार का पेड़। तो यहाँ पे बाढ़ आया था, बहुत बाढ़ आया 14 में। अच्छा 14 में बहुत बाढ़ आया है, तो यहाँ पे चार पेड़ थे, चार पेड़ थे, इसीलिए बोलते हैं इसको चार चिनार। अच्छा इसीलिए इसको चार चिनार। अभी अभी बचे हैं तीन। अच्छा तो हम चलते हैं फिर कम भी लोग, वो गाना देखो ना कैसा उस टाइम चार चिनार कैसा था, वो बढ़िया था। नोटबुक शूटिंग यहीं हुआ, नोटबुक मिशन कश्मीर की भी शूटिंग यहीं हुआ, बुमरो बुमरो वो गाना इधर ही है। अच्छा उस तरफ एक ये है चिनार का पेड़, एक ये है, एक वो है, एक यहाँ पे उड़ता, ये लिली का पत्ता है, वो कमल का पत्ता। अच्छा कमल का नहीं है, अभी कमल का नहीं है। लेक को एक और भी कहते हैं कि मिरर लेक, देखो कैसे पूरे माउंटेन की पूरी परछाई आ रही है, देखो मेरे पैर की ऊपर ये क्लाउड्स की। अभी सनसेट हो रहा है और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, बस 7 बज गए, सनसेट होता हुआ कितना अच्छा लग रहा है। और एक और चीज़ उन्होंने मेरे को बताई है, ये आप चारों तरफ जितने भी आपने वीडियो में अभी ग्रीन कलर के जितने भी माउंटेन्स देखे थे, ये सब विंटर्स में वाइट होते हैं टोटल, और ये जो लेक है ये पूरी फ्रोजन होती है, और इसके ऊपर आराम से वो होती है क्या बोलते हैं उसको, अरे स्केटिंग, आइस स्केटिंग, फाउंटेन एंड लेजर शो। पूछूं क्या शो? इसका टिकट है सर। कितने का? 200। और हाँ मैं कुछ नहीं जानता और तुम तो सब जानती हो।
ये आई थिंक सारी हाउस बोट है जो कि खड़ी है इस लेक पे। पर रात को आते आते मैं लेट हो गया था, आपको देखा ही होगा अंधेरा तो हो ही चुका था और कल मेरी तबीयत भी थोड़ी सी खराब थी, बहुत ज्यादा कोल्ड हो रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी कल यार मेरे को। तो मैं अपना दवाई ववाई लेके और सो गया था रात को और ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया। और कल मेरे को मज़ा आया बहुत, मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा श्रीनगर और श्रीनगर में घूमना। जो मैंने शिकारा बोटिंग करी वो हो ऑसम, ऐसी बोटिंग मैंने आज तक नहीं करी। यहाँ पे जो मज़ा आया मेरे को शिकारा में आराम से बैठ के, जो वहाँ का जो व्यू था जो एंजॉय करा, चार चिनार जहाँ पे मैं गया था वो भी अच्छा था, छोटा था बट ठीक है, वो एक एंशियंट टाइम था, वहाँ पे कुछ बॉलीवुड मूवीज़ की भी शूटिंग हुई है, कुछ और मूवीज़ की शूटिंग हुई है। जो साउंड एंड लाइट शो था वो अभी एक साल पहले ही इन्होंने नया ओपन किया है, उसके अंदर पूरी की पूरी हिस्ट्री बताई गई थी कैसे श्रीनगर बना और कैसे अब तक ये इतिहास चला, जो जो पूरे यहाँ के जो किंग्स रह चुके हैं, जो भी यहाँ के राजा महाराजा जिन्होंने भी ये कैसे कैसे ऑक्यूपाई करा, तो वो सारी चीज़ें बताई हुई थी। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा सारी चीज़ें देख के, आपको भी ये व्लॉग देख के अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा। व्लॉग का अगर कोई पार्ट अच्छा लगा बुरा लगा तो प्यारी सी कमेंट कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माय डे, बाय बाय।